सभी देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने मां लक्ष्मी पर बयान क्या दिए कि पूरी तरह से माहौल गर्म हो गया है, सियासी संग्राम छिड़ गया है। जहां एक ओर वो अपने बयान पर कायम है तो वही सियासी दिग्गज उन पर हमला बोल रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी है रिपोर्ट। विवादों के स्वामी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवाद के केंद्र में आ गए हैं। दरअसल ये विवाद उनके माता लक्ष्मी पर दिए गए बयान को लेकर छिड़ गया है। बीते कुछ समय से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी और हिंदुत्व को टारगेट कर रहे हैं। चार हाथ, आठ हाथ, दस हाथ, बीस हाथ, हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है, और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के ये बयान सियासत में भले ही इनको लाभ पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन उनके सामने नए नए दुश्मनों को खड़ा कर रहे हैं और सपा के सामने भी वो चुनौती पैदा कर रहे हैं। कोई भी बयान नीचे करो, यादव जी जो लिख करके देते हैं वो पढ़ देते हैं। स्वामी प्रसाद के बयानों पर अभी तक बीजेपी के नेता ही पलटवार कर रहे थे, लेकिन हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर की गई टिप्पणियां उन्हें बीजेपी के सहयोगी दलों का भी दुश्मन बना दिया है। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने उन पर विवादित टिप्पणी की है, तो वहीं सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी उनके बयान का विरोध किया है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने तो उन पर पलटवार करते हुए विवादित टिप्पणी की है। देशवासियों मानते हैं माता लक्ष्मी और भगवान को, और भारत भारतीयों का है, और ऐसे अधर्मियों की तो पागल खाने में भेज देना चाहिए। ऐसे पागल जिसी तरीके से जब बसपा में थे तो बसपा में नारा लगाते थे, जब वहाँ थे मलाई खा रहे थे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जब भारतीय जनता पार्टी में आए मलाई खाना था तब फिर राम राम जप रहे थे, जैसे मलाई खत्म हो गया तो पागल हो गए। हम दो बातें जानते हैं, एक बात तो संविधान को नहीं मानते। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था बाबा साहब ने नहीं दी है कि आप किसी धर्म के खिलाफ बोलिए। आप जिस धर्म को मानते हो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, अपने धर्म का गुणगान करो। सभी जाति धर्म के लोगों के लिए बाबा साहब ने तो यही व्यवस्था दिया है कि आप मानो, जैसे मानो, जिस तरह मनाओ, जो आपके धर्म में हो। ये उनका बयान किसी धर्म के खिलाफ जो है हम इसे सहमत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में जाने के बाद विवादों के स्वामी बन गए हैं। हिंदू धर्म पर अपने नए नए बयानों से निशाना साधने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के ये बयान एक बार फिर से सपा के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इसी मुद्दे पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर आदित्य पांड्याचार्य जुड़े हैं, चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा है, और हमारे सहयोगी संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमाब, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान क्या दिया, सियासत ही पूरी तरह से गर्म हो गई, सभी पार्टियां उन पर पलटवार कर रही हैं, क्या कुछ मायने हैं समाप इनके बयान के, और आखिर क्या वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार अपनी जुबान जो है वो तीखी कर ले रहे हैं? तरह का बयान दिया हो, पहले उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी और उसके कुछ श्लोक जो है वो निकाल कर लाए थे और सार्वजनिक किए थे, और उसका जवाब वो तमाम लोगों से मांग रहे थे। उसमें जे बरनाधम तेली कुम्हारा सोपच किरात कोल कलवारा, एक ये उनका श्लोक था। दूसरा अधम ते अधम अधम अतिनारी, एक श्लोक ये उन्होंने सुनाया था। और तीसरा श्लोक जो था वो था ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इन श्लोकों को लेकर
उन्होंने रामचरितमानस को प्रतिबंधित करने की बात कही थी और साथ ही साथ रामचरितमानस का उनके इस बयान पर कई जगह पर जलाया भी गया था उन्होंने जब बयान दिया था। तो इसके बाद से लगातार उनके ऊपर हमले हुए। रामचरितमानस को मानने वाले जो लोग हैं उन्होंने कई जगह पुतले जलाए, उनके ऊपर FIRें करवाई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस पे भी माने नहीं। तमाम जगहों पर सम्मेलन हो रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पर जा रहे हैं और जो पिछड़े लोग हैं उनके बीच में जाकर जो है वो ये सब बातें कर रहे हैं, रामचरितमानस के दोहों का हवाला दे रहे हैं, श्लोक का हवाला दे रहे हैं और इस बात में को कह रहे हैं कि ये पिछड़ों के लिए जो सनातन धर्म है हिंदू धर्म है, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, इस तरह की भी वो बात करते हैं। कहते हैं कि ये हम लोगों को दबाने के लिए जो अगर कोई धर्म कहे तो वो धर्म नहीं है, वो पिछड़ों को जागरूक कह रहे हैं कि हम करने का काम कर रहे हैं, उसमें नाई गोड़ पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला कहार कश्यप मांझी मझवार तूर तुरैया बंजारा बहेलिया आरा कर्कवंशी ये सारी जातियों के वो नाम लेते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बहरहाल उनकी ये जागरूकता कहीं ना कहीं उन पर भारी भी पड़ रही है। पिछले दिनों देखा गया था जगत गुरु परमहंस आचार्य छावनी पीठाधीश्वर अयोध्या उन्होंने और महंत राजू दास ने उनके ऊपर हमला भी किया था, उनको बल्लम से मारने की कोशिश की, उसके बाद हालांकि स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने उन लोगों को पकड़कर काफी मारा पीटा था जिसके बाद FIR वगैरह हुई थी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित जरूर हो गए इन पूरे मामले को लेकर, तमाम लोग उनका पुतला जला रहे हैं, उनको जो है वो FIR करवा रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं रुक रहे हैं। उन लोगों का यही कहना है जो बातें समझ में आ रही हैं कि पिछड़ों का जो है वो जागृत कर रहे हैं और ये कुल मिलाकर पूरा जो खेल चल रहा है, पूरा ड्रामा चल रहा है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ों की राजनीति को लेकर चल रहा है। समाजवादी पार्टी का कोई दूसरा नेता इन सब चीजों पर बोलने को तैयार नहीं है, वो बुद्धम शरणम गच्छामि की बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इसलिए उनको बोलने में परहेज नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं और इसका जो राजनीतिक लाभ है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लेना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद के इस बयान को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी से जोड़कर देख रही है कि ये हिंदू पर हमला है, सनातन पर हमला है और सनातन को खत्म करना चाहते हैं ये लोग, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसमें अखिलेश यादव भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बयान दिए हैं माता लक्ष्मी को लेकर, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो चार हाथ हैं, चार पैर हैं, इस तरह का आज तक कोई बच्चा ही पैदा नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो वो बयान दे रहे हैं उसमें काफी लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं। पता नहीं किस हिसाब से उनको प्रमोट किया जा रहा है, उन पर समाजवादी पार्टी इतना ट्रस्ट क्यों कर रही है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। बिल्कुल सीमा और ये बहुत बड़ा सवाल है कि बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। आपने देखा कि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य पहले रामचरितमानस पर और अब दीपावली के दिन इस प्रकार का बयान, किस प्रकार से भावनाओं को आहत पहुंचाया जा रहा है? देखिए त्रिशला जी, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सवाल इस बात का है, अगर उनको किसी सनातन धर्म में किसी चीज की जानकारी करनी है तो संतों के पास जाएं, आश्रमों में जाएं, उनके पास बैठ करके और उनसे ज्ञान की प्राप्ति करें, लेकिन बेवजह टिप्पणी करना। अब आप देखिए, जो अभी दीपावली के अवसर पे जो माँ लक्ष्मी पे टिप्पणी किया, आप देखिए कि चार हाथ कैसे हो। अरे भाई, अगर जो आप जब सनातन को नहीं मानते तो नकारात्मक टिप्पणी क्यों करते हैं? चार हाथ उनका, हमारे सनातन धर्म में चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसके प्रतीक है जो, क्योंकि जब वो तो सामान्य तो है नहीं, वो कह रहे कि जी कोई आज तक पैदा नहीं हुआ चार हाथ वाला। अरे भाई, वो सामान्य नहीं है, वो देवी हैं और वो जो दुनिया को देने का काम करती हैं, क्यों कोई धन की अभिलाषा से उनकी साधना करता है धन देती है, कोई मोक्ष की अभिलाषा से उनकी साधना करता है उनको मोक्ष प्रदान करती, यानी जो पुरुषार्थ हमारे चार बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो चारों के प्रतीक है वो चार हाथ। लेकिन अब उनकी बुद्धि पे तो अब एक्चुअल क्या कलयुग ही प्रभाव है, तो त्रेता युग में जो बालकांड में है ना रामचरितमानस के, कि जहां जब यज्ञ योग मुनि करही तह मारिच सुबाह डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे
तो अनेक असुर आते थे, विघ्न डालने का काम करते थे। आज राम मंदिर बन रहा है, आप देखिए तब से इनके पेट में मड़ोर हो रहा है, कभी रामचरितमानस पे, कभी भगवान राम पे। जो भगवान राम उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, जो भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश में, जो गोस्वामी तुलसीदास जी, इन्होंने पूरे विश्व के हिंदू सनातन धर्म और अन्य लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, उन पे टिप्पणी करके जान बोझ करके वो विघ्न डालने का काम कर रहे हैं, जैसे त्रेता में असुर डालते थे। अब त्रेता तो है नहीं, ये तो कलयुग है, रूप बदल गए, लेकिन डीएनए कहीं ना कहीं वही एक ही है। इसीलिए नकारात्मक सोच से नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। आपने आप देखो कि शुरू से एक और सबसे इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उत्तर प्रदेश के लोग उनको समर्थन देते हैं, साथ पहले भी दिया है, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के ही हमारे अवतार की और हमारे सनातन धर्म के जो पुरोधा हैं, हमारे गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस की जो रचना की उन पे टिप्पणी, भगवान राम पे टिप्पणी जो की जा रही है, धर्म पे टिप्पणी की जा रही है, इसे पूरे देश दुनिया में समाजवादी पार्टी का छीछा लेदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश तो छोड़ दिए, कहीं कोई समर्थन देने वाला, और उस उनका कहां तक उनको दंडित किया जाना चाहिए था, तो उनके पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी उनका प्रमोशन कर दिया, उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी हमारा नम्र निवेदन है कि इस प्रकार जी। और हमारे साथ डॉक्टर आदित्य पांडे आचार्य जुड़े हैं। डॉक्टर आदित्य पांडे, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, लेकिन इन सब में लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सनातन धर्म में हम मानते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब किसी का वक्त खराब आने वाला होता है तो वह ऐसे मूर्खतापूर्ण और संकीर्ण मानसिकता के बयान देता है। वैदिक ज्योतिष में जब किसी की कुंडली में चंद्रमा और बुध कुपित होता है तो वो व्यक्ति अनाप शनाप बोलता है और मूर्खतापूर्ण बातें करता है। कुछ ऐसा ही माननीय सांसद जी ने ऐसा किया है। मैं अभी अखबार देख रहा था तो मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरपुर के पास में एक बच्चे का जन्म हुआ है जिसके चार हाथ है और चार पैर है, उसको कवर किया गया और वो एक मोहम्मदन समाज में पैदा हुआ है। लास्ट ईयर भी मैंने देखा ऐसा हुआ है। तो ये कहना कि कौन से भगवान के चार हाथ हैं या चार पैर हैं, ये जब तक कि उनको स्वयं धर्म की जानकारी नहीं है उन्हें अधिकार नहीं है बोलने का। दूसरी बात, प्रश्न ये आता है कि यदि इस दिन का कोई महत्व नहीं है तो महालक्ष्मी के पूजन पे ही उन्होंने अपनी पत्नी का पूजन क्यों किया? उससे पहले भी तो और त्योहार आए थे, करवा चौथ का उन्होंने वीडियो नहीं करा कि उस समय जो है उनकी पत्नी जी लक्ष्मी स्वरूपा है और वो दीपावली पे लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे, वो सिर्फ पूजा करेंगे अपनी पत्नी की। सनातन धर्म तो हमेशा से ही कहता है यस्त्र नारी पूजयन्ते, हम तो हमेशा मानते हैं कि हमारी जो शक्ति स्वरूपा है माता है, हम इसका विरोध कभी नहीं करते। परंतु यह कहना कि सनातन धर्म गलत है, यह कहना कि रामचरितमानस गलत है, ये एक संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है और दूषित मानसिकता दिखाता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। बिल्कुल, अगर उनको ज्योतिषीय सलाह चाहिए तो मैं उपलब्ध हूँ, और वैसे उनको मेरे हिसाब से चिकित्सीय सलाह भी लेनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ चौपाड़ी महाराज जी जुड़े हैं। ये कोई पहली बार नहीं है महाराज जी जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इनके बयान से कई बार ऐसा हुआ है जब माहौल खराब हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो साधु संत लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं को बार बार ये ठेस पहुंचा रहे हैं। देखिए, यह देश धर्म प्रधान देश और सनातन धर्म में देश नहीं पूरे विश्व के तमाम, न सिर्फ सनातन धर्मी बल्कि तमाम लोगों की मान्यताएं, तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इनको ये समझना पड़ेगा कि आप देखो कि यह यहाँ पे आप मान कर रहे हैं, आज विश्व के आप चले जाइए अमेरिका और इंग्लैंड, वहां पे इस्कॉन के माध्यम से या हरे रामा हरे कृष्णा जो श्री प्रभुपाद जी ने बनाया उसके माध्यम से लोग सनातन को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। हमारे वेद और गीता का अध्ययन विश्व के देशों में हो रहा है, रामचरितमानस का लोग अध्ययन कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं। तो सनातन धर्म, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम जो इनका सिद्धांत है अपना सनातन का, जिसने सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागभवेत् के जो सिद्धांत को लेकर के उसको व्यवहारिक रूप में उतारने का काम करता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है, सबको खुशहाल और सबको निरोगी रहने की कामना करता है, इससे हर व्यक्ति जानना चाहता है, जुड़ना चाहता है, जुड़ करके एक अच्छा उसको अनुभव होता है, फील होता है। उस दौरान ये नव बोध से जुड़े हुए
तो ये नया नया जो बौद्ध धर्म अपनाने वाले इस प्रकार के मानसिकता के कुत्सित मानसिकता के स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान जो निश्चित रूप से सिर्फ जहर घोल रहा है। मैं लेकिन, तो लेकिन चक्रपाणी महाराज जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि आखिर धर्म को राजनीति में क्यों शामिल किया जा रहा है? किसी भी राजनीतिक पार्टियों को ये अधिकार आखिर है ही क्यों कि किसी भी भगवान को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति विशेष को अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए? देखिए, समस्या यह है कि आप देखिए, पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, गौरी गणेश का अपमान करते थे, और अब जब बीजेपी में जय श्री राम बोल के आए, जब हाशिए पे चले गए तो बीजेपी में आए, जय श्री राम बोला इन्होंने, और देखिए मंत्री रहे। जब से इनका पार्टी बदला, इनका दिन खराब हो गया। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पे आता है पहले विवेक मर जाता है, विवेक शून्य हो चुके हैं। और ये राजनीति की बात इनको अगर जो करनी चाहिए, देश में बेरोजगारी की बात करें, देश की प्रगति की बात करें, देश में और युवाओं की, किसानों की बात करें, समझ में आता, महिलाओं की बात करें, उन्होंने अगर जो धर्म पत्नी की पूजा किया तो अच्छी बात है, धर्म पत्नी की या बहन की माँ का सम्मान करना चाहिए। और लेकिन आप एक तरह से अपनी पत्नी का, धर्म पत्नी का सम्मान करें, दूसरी तरह जो नारियों का केंद्र है माँ लक्ष्मी, जिसे प्रेरणा नारियों को मिलता है, आप उनका अपमान कर रहे हैं, आप उनपे भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। ये तो यही हुआ कि अपने घर के आप नारी का सम्मान दो और बाहर चलते हुए किसी पे छिछोरापन करो, आप टिप्पणी करो, गलत निगाह रखो, गलत टिप्पणी करो, कमेंट करो, तो यही बात हो गई। तो आप तो निश्चित रूप से, क्योंकि सच्चा पुत्र वही होता है जो अपने माँ बाप के आज्ञा और आपके अपने माँ बाप के सेवा के साथ दूसरे के भी प्रति सम्मान करे, सेवा की भावना हो, वही सच्चा पुत्र होता है, वही सच्चा माना जाएगा। लेकिन ये तो घर पे पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो इनकी धर्म पत्नी, उनके जो आराध्य हैं या जो समस्त नारियों के जो केंद्र है माँ लक्ष्मी, उनका अपमान कर रहे हैं, उनपे नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसे छिछोरापन जो है, निश्चित रूप से इनके अंदर जो चीप पड़ गया है, जो एक इनका डीएनए खराब हो चुका है, इनके इलाज की आवश्यकता है। दो बातें हैं त्रिस्टार जी, या तो यह जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं तो भी इनका स्थान जेल होना चाहिए, और अगर अनजाने में कर रहे हैं, अगर पागलपन में कर रहे हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इनको पागलखाना में होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा बहुत ही करबद्ध निवेदन है कि इनको बहुत बर्दाश्त कर लिया गया, अब न किया जाए, क्योंकि सरकार पे भी कहीं ना कहीं ये घूम के बातें आ रही कि सरकार आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। हमारे वहां पे सैकड़े लोगों ने थानों में शिकायत दिया है, FIR, इनकी गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, थाने जल्दी FIR नहीं करता, तो क्या अभी भी इस पर स्टालिन टू तो वहां पे तमिलनाडु में बोल करके जो उन्होंने विरोध की, जिन लोगों ने विरोध उनका किया, वहां बैठ करके FIR करा दिया, और हम उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, चक्रपाणी जी, ये बड़ा मामला है, और इस मामले में कहीं ना कहीं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी, किसी के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। और आप दोनों का भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।